आपको सुराज एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ ऋतु जानवाई। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में मतदान जारी है। वोटर्स प्रदेश के 151 नगरीय निकायों के 2840 वार्डों के लिए पार्षदों का चुनाव करेंगे। कांग्रेस और 15 साल बाद विपक्ष में बैठी भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन पहली बार कई शहरों में त्रिकोणीय मुकाबले की भी स्थिति बनी हुई है। पहली बार निकाय चुनाव में जोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना भाग्य आजमा रही है। दोनों दलों के उम्मीदवारों का परफॉर्मेंस चाहे जैसा हो, लेकिन जीत हार वाली सीटों पर ये नतीजे को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 16 साल बाद यहाँ फिर बैलेट पेपर से मतदान हो रहा है। रायपुर में कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा और कलेक्टर एस भारतीदासन ने भी अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। और सत्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्या, क्या कुछ अपडेट अभी तक, कितना प्रतिशत मतदान अभी हो चुका है? इस वक्त हम भगत सिंह वार्ड में पहुंचे हैं और यहाँ पे मतदान क्रमांक 251 में मौजूद हैं। हम यहाँ आपका दृश्य दिखाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। तस्वीर में सीधा अभी ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो महिलाएं बढ़ चढ़ के घर से बाहर निकली हैं और पुरुष भी यहाँ पे हैं, उतने ही युवा यहाँ पे मौजूद हैं। और चूंकि ये 1.5 से 2 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, मतदान की जो प्रक्रिया है बहुत स्लो है, इससे इनमें एक खासी नाराजगी है। यहाँ पे ये लोग इसका विरोध करते रहे। और चूंकि इस वार्ड में 10 प्रत्याशी मैदान पे हैं, तो आइए हम सीधा इनसे ही चर्चा करते हैं कि ये आज मतदान करने आए हैं, तो इनके पीछे इनका क्या उद्देश्य है और इनकी ये क्या सोच के मतदान करने आए हैं। आज मतदान करने आए हैं, सुबह से आप घर से निकले हैं, क्या सोच रहे हैं? काम बुतम जात हम तो टाइम हो गए, अब का करूं घर में बैठे बैठे। कितने समय से हैं आप यहाँ पे? 8:30 बजे से। 8:30 बजे से अभी 10 बज रहे हैं। सुबह से आए हैं, अभी आप मतदान दे के काम में जाने वाले थे? टाइम हो गया, कहाँ जा रहे? क्या काम करते हैं? घर बुटन जाता साहब घर। अच्छा। बच्चा रखे पर। मतदान करने आए हैं, आपके मन में क्या है, क्या आप सोच रहे हैं कि आप आपका कौन सा काम होगा या आपके क्षेत्र में कौन सा काम हो, ऐसा कोई आप सोचे? बच्चा घर जाता मैडम, हम नहीं आते बैंक, अब तो मोर टाइम हो गए तो बिचारी को रोजी रोटी नुकसान, मोरो रोजी रोटी नुकसान। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, कितने समय से खड़े हैं यहाँ मतदान के लिए? सुबह हम लोग 8 बजे से खड़े हैं, अभी 10 बज गया है। इतना स्लो चल रहा है, शांतिप्रद तो चल रहा है मतदान, लेकिन स्लो चल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे, क्या कारण बताया जा रहा है इतना स्लो होने के पीछे का? अब इतना स्लो होने का कारण है, अब अंदर अधिकारी लोग आराम से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो सब चीज को देखना चाहिए क्या है, यही है उसकी। आज आप मतदान करने आए हैं, सुबह से आए हैं, क्या काम करते हैं, क्या आप यहाँ से मतदान करके सुबह से जब आए हैं तो आप यहाँ से मतदान करने के बाद कहीं काम वाम में जाने वाले थे? हाँ, काम छोड़ के आए हैं हम, सुबह काम में चले गए थे, वहाँ से हम मतदान देने के लिए आए हैं और हमारे पास समय मात्र 2 घंटा है, तो 2 घंटा के अंदर नहीं हो पा रहा है। तो अभी आप यहाँ रहेंगे या जैसे लाइन आप देख रहे हैं कुछ ही देर में आपकी बारी है? कुछ देर के बाद हमारी बारी आ जाएगी। यहाँ पर रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आप लगातार बने रहिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बता दें वार्ड क्रमांक 29 गुरु गोविंद सिंह वार्ड में नसीम बानो नाम की महिला मतदान केंद्र पर विरोध कर रही है। इनका आरोप है कि सूची फर्जी है, काफी समय से भटक रही है मतदान स्थल में, लेकिन मतदान करने की अनुमति नहीं मिल रही है। महिला के परिजनों का सूची में नाम नहीं है, विरोध करने की धमकी दे रही है। तो आपको बता दें मतदान शुरू हो चुका है सुबह से ही, हर जगह कतारों में लोग लगे हुए हैं मतदान केंद्र में। एक महिला विरोध कर रही है, रायपुर की खबर आपको बता रहे हैं। वार्ड क्रमांक 29 गुरु गोविंद सिंह वार्ड में यहाँ पर विरोध किया जा रहा है काफी समय से मतदान के लिए। ये महिला भटक रही है, मतदान करने की अनुमति उसको नहीं दी जा रही है, जिस वजह से वो परेशान कर रही है और धमकी दे रही है। अब आपको बता दें मतदान करने की अनुमति महिला को नहीं मिल रही है, महिला के परिजनों का सूची में नाम भी नहीं है और महिला जिसका विरोध कर रही है, आपको बता दें मतदान केंद्र में महिला का विरोध जारी है। वार्ड क्रमांक 29 गुरु गोविंद सिंह वार्ड का ये आपको मामला बता रहे हैं। काफी समय से मतदान के लिए महिला भटक रही है पर मतदान करने की उसे अनुमति नहीं मिल पा रही है। महिला के परिजनों का नंद है
सरकार को लेकर कई आरोप भी लगा है कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, और काफी जो है वो विरोध कर रही है, बोल रही है कि हम अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो मैं मतदान स्थल में हंगामा करूंगी, मैं विरोध करूंगी, तोड़फोड़ करूंगी, ऐसा कहने की धमकी दे रही है। सुप्रिया, वार्ड में कई बड़े लोग भी वहाँ पर मौजूद होंगे, कुछ अधिकारी भी होंगे वहाँ पर, जिस तरह से विरोध महिला कर रही है, नाम नहीं है उसका और उसके परिवार का, उन लोगों का क्या कहना, आखिर क्या वजह रही जो नाम छूट गया? उस महिला के परिजनों का तो नाम नहीं है और महिला यही स्थल में ही मौजूद है, मतदान स्थल में अधिकारी भी मौजूद है लेकिन अधिकारी कुछ कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा है, महिला सिर्फ विरोध कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर लोग हैं वो भीड़ जमा करके महिला को देख रहे थे लेकिन वो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, साथ ही अधिकारी वो अंदर है बैठे, इतना ही नहीं, यहाँ पर तो एक ऐसा व्यक्ति भी आया था जिसकी ड्यूटी नहीं लगी थी, वो जो मतदाताओं को अंदर कक्ष में बैठ कर समझाइश दे रहा था, तो उसे भी अधिकारियों ने हमारे आने के बाद उसे खगाया है, और ऐसा ही कुछ सिलसिला जो यहाँ मतदान केंद्र में हो रहा है लगातार। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार हमारे साथ सत्या जुड़े हुए हैं। सत्या, आपसे जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे आप लोगों से पूछें कितना वो संतुष्ट है वर्तमान की सरकार से और क्या उनके मुद्दे हैं जिनको जहन में रखकर वो मत अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। दाता लाइन पे खड़े हुए हैं, उनसे हम सीधा चर्चा करते हैं। ये पहली बार ये बैलेट पेपर की यहाँ से शुरुआत की गई है, बैलेट पेपर यहाँ पे हो रहा है और पहले ईवीएम मशीन में मतदान होता था, तो इसे अब किस तरह आपको कहीं प्रशिक्षण दी गई है इसका? वैसे बताया गया है, बाहर में बताया गया है पेपर को मोड़ के कैसे मोड़ना है, कैसे डालना है करके, और ये प्रक्रिया तो अंदर कक्ष में भी बताया जाता है, अधिकारी अभी सामने जाएंगे वो कैसे बताएंगे। और भी लोग हैं, आप मतदान करने आए हैं, आपके जहन में ऐसा कौन सा सवाल है या ऐसे कौन से मांग है जिसे आप मत? बस काफी लेट हो गया है, मतलब इतना लेट होना नहीं चाहिए, काम रहता है सभी को, कब सब काम धाम छोड़ के आए हुए यहाँ पे, मेरा हिसाब ये है कि थोड़ा फास्ट होना चाहिए मतदान जी। किसी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की आप लोगों ने कि ये इतना लेट क्यों हो रहा है? अभी तो किसी अधिकारी से मतलब मिल नहीं पाए हैं, अंदर ही है अधिकारी लोग, हम तो बाहर में खड़े लगभग 2 घंटे हो गए लाइन पे खड़े हुए अपने को। यहाँ व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है? पानी छाया का है जो आपका बैठने की व्यवस्था? ऐसा तो अभी तक कुछ देखने को मिला नहीं है, न कोई सुविधा मिला नहीं अभी, देखते हैं आगे, अब और लोग जो आएंगे बाद में उनके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए तो अलग बात है जी। जी, यहाँ पे व्यवस्था के भी यहाँ पे टोटा है और इस तरह यहाँ लोग परेशान भी हो रहे हैं। आप मतदान देने आए हैं, क्या आपके जहन में ऐसी बातें हैं जिसको सोचकर आप मतदान करेंगे? वार्ड नंबर 21 में कोई हाई स्कूल नहीं है, बच्चे पढ़ने के लिए महोबाजा स्कूल जाते हैं, 8वीं तक बसा यहाँ, इसकी मांग करनी है आगे। और कुछ ऐसी बातें? नहीं नहीं, सब काम तो अब हो ही रहा है। यहाँ पे 10 प्रत्याशी मैदान पे हैं, तो किन के बीच में टक्कर देखने को मिलता है? भाजपा और ये कांग्रेस के बीच में ही मिल रहा है ज्यादा टक्कर, और तो नहीं है। आप लोग यहाँ मतदान करने आए हैं, क्या क्या माने हैं? यहाँ पे और भी लोग हैं, हालांकि बताने में थोड़ा से कतरा रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्या किस तरह की आपके जो आप मतदान करेंगे तो क्या सोच करके मतदान करने वाले? हम भैया ये सोच के मतदान कर रहे हैं कि जो अच्छा हमारे वार्ड का विकास कर सके वैसे आदमी को लाना है करके मतदान कर रहे हैं। 10 प्रत्याशी मैदान में है, किनके बीच टक्कर देखने को मिल रही है आपको? अभी 3 जने के बीच टक्कर देखने को मिल रहा है। कौन कौन? 4 है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, और वो हल छाप, और एक है इंद्रधनुष। चलिए सत्या, आप लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।